फजलमान साहब, कुछ दिन पहले आपने खवातीन के लिए इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल की है, क्या आपको शर्म नहीं आती? ये आपको किसने कह दिया कि मैं खवातीन की इज्जत नहीं करता? मोहतरमा बिलावल साहिबा की कितनी इज्जत करता हूँ। अब मेरा मतलब है, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शॉक। और आज के हमारे मेहमान वो है जो सदर पाकिस्तान ना बन सके। जी आप बिल्कुल सही समझे, फजलुर रहमान साहब। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है आपका, सनम। ओ सनम ओ सनम, काश होता गए। फजलमान साहब, देखिए हजरते होस्ट, दरअसल हमारे ऊपर शैतान गालिब आ गया था। मुझे तो लगता है कि शैतान पे आप गालिब आ जाते होंगे। माशाल्लाह, आप वाकई बहुत प्यारी हैं। शादी हो गई आपकी? क्यों, आपने करवानी थी? फजलमान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? दरअसल हमने अपना एक टिकटॉक अकाउंट बनाया है, उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। काश मैं भी आपके लिए ये कह सकती कि आप भी बहुत खूबसूरत हैं। बहुत फनी हैं आप। मैं कहता हूँ एक टिकटॉक ना हो जाए। जी नहीं, फोन वापस रखें। मौलाना साहब, वैसे आपके फॉलोअर कितने हैं टिकटॉक पर? माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हमारे पूरे 15 फॉलोअर्स हैं। इतने फॉलोअर्स? 13 तो पीडीएम पार्टी के अकाउंट हो गए, ये बाकी के 2 कौन हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं? वो आप छोड़ें, आप ये देखें कि सोशल मीडिया पर आपके मौलाना के फॉलोइंग जो है वो बढ़ रही है। सोशल मीडिया पे हमने खान को 73 के आइन के तनाजुर में बहुत पीछे छोड़ देना है। इसे आपने टिकटॉक पे क्या देखने के लिए अकाउंट बनाया है? देखिए, अभी आप कम सिन हैं और आपकी उम्र ऐसी बातें करने वाली नहीं है। और आपकी उम्र भी ऐसी चीजें देखने वाली नहीं रही। जनाब फजल रहमान साहब, ये आप क्या फजल रहमान बोल रही हैं? मैं आपका कोई छोटा कजन हूँ? हमारे नाम के साथ 73 के आइन के तनाजुर में मौलाना क्यों नहीं लगाया जा रहा? आप खुद ही बताएं फजल रहमान साहब, आपके नाम के साथ मौलाना लगाना बनता है? ये जो नवाज और शहबाज साहब हैं, उनके साथ जो शरीफ लगा हुआ है, उनके साथ शरीफ लगाना बनता है? ये मैंने क्या बोल दिया? ये तो है। देखिए हजरत होस्ट, आप ये लाइन जो है ना काट दीजिएगा, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। और ना कट करूं तो? नहीं करेंगी तो फिर हमारे पास भी एक वजह है, हम आपके ऊपर यहूदी एजेंट का फतवा लगा देंगे। तौबा तौबा, ये आपने सही तरीका ढूंढा हुआ है, जो मुखालिफ हो उस पे कुफर के फतवे लगा दो। हजरत होस्ट, मेरा फतवा मेरी मर्जी। फजलमान साहब, कुछ दिन पहले आपने खवातीन के लिए इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल की है, क्या आपको शर्म नहीं आती? ये आपको किसने कह दिया कि मैं खवातीन की इज्जत नहीं करता? आपने नहीं देखा कि मैं मरियम नवाज साहिबा की कितनी इज्जत करता हूँ? मोहतरमा बिलावल साहिबा की? अब मेरा मतलब है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की खवातीन की है, उनकी कितनी इज्जत करता हूँ, नहीं देखा आपने? और दूसरी पार्टीज की खवातीन तो आपको काबिल इज्जत लगती ही नहीं, आपको लगता ही नहीं कि उनका इज्जत करना जरूरी है, इसलिए आप उनके लिए इतनी गलीज जबान इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि वो तितलियां हैं, कभी उनके नरम पांव हैं, हम जमीन गरम कर देंगे, कभी आप उनके बेडरूम में घुस जाते हैं कि वो अपने बेडरूम में किसको बुलाना चाहती हैं। आप इंसान ही के जानवर हैं, आपके घर में माँ बहन बेटी है ना, उन्होंने आपको तमीज नहीं सिखाई कि आपने दूसरी औरतों के लिए कैसी जबान इस्तेमाल करनी है? देखिए हजरत होस्ट, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो उन खवातीन की भी इज्जत करता हूँ जो टिकटॉक पर हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, बल्कि उनकी वीडियोस पर दिल फेंकता हूँ, मेरा मतलब है उन्हें लाइक करता हूँ। आपको क्या हो गया है? अपनी उम्र देखें और अपनी हरकतें देखें, बैठ जाएं, शो पे आए वापस। अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन कब होते देख रहे हैं? इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे,
हमने खान साहब को कह दिया है कि अगर इलेक्शन करवाने हैं तो फिर आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो फिर खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा हम गुजर जाएंगे। फजल रहमान साहब, इलेक्शन होने दें, इस हुकूमत का आपको क्या फायदा हुआ? ना तो आप असेंबली जा सकते हैं, ना सदर बनने का वादा वफा हुआ। क्या पता आपकी पार्टी भारी अक्सरियत से जीत जाए और आप हजरत सदर पाकिस्तान बन जाए। क्या हुआ फजल रहमान साहब? इमरान खान ने सियासत में मेरा हाल उस औरत जैसा कर दिया है जिसको डॉक्टर कहते हैं हमने तुम्हारी जान तो बचा ली है मगर अब तुम कभी मां नहीं बन सकोगी। कभी मां नहीं बन सकोगी। इसका मतलब है आप कभी मां, मेरा मतलब है सदर पाकिस्तान नहीं बन सकेंगे। देखिए मोहतरमा, जब आपको इस सवाल का जवाब पहले से ही मालूम है तो ये सवाल पूछना जरूरी था। अच्छा मौलाना साहब, सियासत में आपका फेवरेट कौन है? ठीक है, इस पे एक टिकटॉक ना बना दे। आपने मुझसे ये पूछना है कि मौलाना साहब इस वक्त पाकिस्तानी सियासतदानों का फेवरेट कौन है? ठीक है, ये क्या? ओहो, पूछे तो सही। जी तो फजल रहमान साहब, पाकिस्तानी सियासतदानों का फेवरेट कौन है? इसको दोबारा करते हैं। बिस्मिल्लाह करें। कौन है जो पिछली हुकूमत से ज्यादा अपनी हुकूमत में जलील ख्वार हो रहा है? ये अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो गया? सच? ओए, ये तो अपलोड भी हो गया है, अब ये कैसे डिलीट होगा? खुदा का वास्ता इसको डिलीट कर दें। अल्लाह अल्लाह आपको इसका अजर देगा। ना करूं तो? खुदा का वास्ता इसको डिलीट कर दे। हो गया? ये ले। शुक्र है डिलीट हो गया। डिलीट नहीं, वायरल हो गया। अब देखें देखें, आप मजाक कर रही हैं हमारे साथ, आप ऐसे नहीं कर सकती। डिलीट हो गया, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। काश मैं ये कर सकती। क्या क्या? अच्छा ये बताएं कि आप इस हुकूमत की बहुत तारीफें करते नजर आते हैं, इस महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, क्या आपको महंगाई नजर नहीं आती? भाई महंगाई होगी तो नजर आएगी ना हजराते सनम। मेरा मतलब है मोहतरमा, देखें महंगाई इमरान खान की हुकूमत से हजार गुना कम हुई है और ये हम साबित कर सकते हैं। करें साबित। इमरान खान की हुकूमत में मेरे घर का महाना खर्च 10 लाख रुपए था। ये गैस, तेल, बिजली, सब्जियां, दवाइयां, तौबा तौबा। और अब इस हुकूमत में मुझे हर चीज मुफ्त मिल रही है। तो आप बताएं कि महंगाई ज्यादा हुई है या कम हुई है? तौबा है, इनको तो शर्म आने लगी नहीं, और इनको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बचाना। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा हमें जरूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। हज़रत सनम, एक छोटी सी ख्वाहिश है हमारी, हमारे साथ एक टिकटॉक बनवा दे। वो चंद तारे था, मैं की करना। मुझे तो माफ करे। अल्लाह हाफिज।